हो गया, कुछ लॉस हुआ, कुछ हुआ, वी नो दैट यस इट्स ऑल एनीवे गोइंग टू बी लॉस्ट फॉर यू, यू डोंट हैव टू लूज स्लीप ओवर दैट, दैट्स ऑल वी गेट ओवर ऑल द लॉसेस आर डिफिकल्टीज आर प्रॉब्लम. अभी तो सोचते रहे हैं जैसे खो गया तो देयर आर पीपल द स्मॉल लिटिल थिंग ऑल देयर लाइफ दे आर कॉट अप इन दैट, दैट्स व्हाई दे सफर. उसमें वो काम नहीं आएगा क्योंकि सोचा एवरीथिंग इज ओनली टेम्पररी, देयर इज नो परमानेंसी. पर लेकिन इस स्तर पे मैं ऐसा बोलना द वर्ल्ड इज अनरियल बोल नहीं सकते बिकॉज एवरीथिंग इज रियल टू मी फॉर एवरी मोमेंट, सो यू कैन नॉट से दैट. सो वी शुड टेक अ पोजीशन व्हिच इज रियल टू माय लाइफ. मैं अभी सच्चाई जो है मेरा वही मैं विश्वास करूंगा, वही स्तर पे मैं बात. थैंक यू स्वामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. और अब हमारे मध्य हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर नंद किशोर जी आ गए हूँ. मैं चाहूँगा कि आप उनका भी कर्तव्य बने के साथ. मैं डॉक्टर भट्ट से प्रार्थना करूँगा कि वो हमारे संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें. ऐसा अक्सर काम ही मिलता है जब गीता जैसे विश्व ग्रंथ का अमृत ज्ञान देने के लिए दो दो महान आत्मन प्रस्तुत. अभी आपने स्वामी जी के वचनों को सुना, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आनंदित हुए. बहुत ही कम शब्दों में स्वामी जी ने समस्त ज्ञान को क्लियर कर रख दिया. और अब आपके मध्य हमारे दूसरे वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रामनाथ झा उपस्थित हैं. डॉक्टर रामनाथ झा जी संस्कृत एवं संस्कृति के विद्वान. डॉक्टर रामनाथ झा हमारा पहले भी मार्गदर्शन कर चुके. प्रोफेसर रामनाथ झा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और आज जेएनयू के संस्कृत विभाग की शोभा बढ़ा रहे हैं. डॉक्टर रामनाथ झा जी वेद उपनिषद सांख्य योग भारतीय संस्कृति के प्रधान पंडित. उन्होंने 90 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों की गरिमा बढ़ाई. अनेकों किताबें वे शोध पत्र लिखे हैं जिससे संपूर्ण समाज को अति महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई. डॉक्टर झा 50 से अधिक ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपने व्याख्यान दे चुके हैं एवं भारतीय विदेश विभाग के प्रशिक्षकों को भी डॉक्टर झा ने भारतीय संस्कृति में प्रशिक्षित किया है. श्रीमद् भगवद् गीता समयातीत ग्रंथ है परंतु आज की पीढ़ी अधिकांश समाज उसे पुस्तक भर ही समझता है. मैं आदरणीय श्री रामनाथ झा जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सब श्रोताओं को गीता के वास्तविक अर्थ एवं आज के समाज में गीता की प्रासंगिकता से अवगत करें. आदरणीय श्री रामनाथ झा जी. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम ब्रह्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदेशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम. परम श्रद्धे स्वामी जी, संयोग ऐसा है कि इससे पहले हम चैनल पे थे, उसी में हमारी पहली और दूसरी बार आपका दर्शन प्राप्त हुआ है. परम श्रद्धे श्री के गर्भ और डायरेक्टर साहब प्रोफेसर और सभी विद्वान और विदुषी जन. इससे पहले स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से क्योंकि स्वामी जी और शास्त्र दोनों में एक तरह से तादाद में है, जैसा शास्त्र है वैसा उनका जीवन है. तो
उन्होंने जो कुछ भी कहा हम सबके लिए एक उपाध्याय की तरह है, औषधि की तरह है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल रहूँगा कि थोड़ा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा उसको देखेंगे। और जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में भारत को क्या पूरा विश्व जो है उसके जो बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उन्होंने गीता को पढ़ी और गीता के बारे में उनके जो कमेंट्स हैं जब आप सुनेंगे तो आपको ये गर्व होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह से हमारे समक्ष ज्ञान को प्रस्तुत किया। आदि शंकराचार्य आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले जो तीन जो प्रमुख ग्रंथ हैं मैं थोड़ा परिचय भी देना चाहता हूँ क्योंकि आवश्यक है। हमारा जो वेद है हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम ग्रंथ इस संसार में इस पृथ्वी पर पहला ग्रंथ जो लिखा गया वो वेद, ये सब जानते हैं और यूनेस्को वगैरह ने उसको हेरिटेज टेक्स्ट माना। इसका मतलब ये है कि उसमें जो ज्ञान है इस पृथ्वी का पहला ज्ञान, उसके पहले न तो कोई धर्म था न कोई संप्रदाय था, विशुद्ध नेचर का ज्ञान वेद। ऐसे वेद का जो अंतिम भाग है, वेद के चार भाग हैं संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, ऐसे चौथे भाग को उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं। क्यों वेदांत कहते हैं? क्योंकि वह वेद का अंतिम भाग है। दूसरे अर्थ में संपूर्ण वैदिक ज्ञान का वह निष्कर्ष सार, इसीलिए उसको वेदांत कहते हैं। वेदांत या उपनिषद को ही तार्किक रूप में जो लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो प्रेजेंट किया गया उसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं और ब्रह्मसूत्र के बाद उसी को सरल शब्दों में जो प्रस्तुत किया गया उसी को गीता कहते हैं। गीता स्त्रीलिंग शब्द है, फेमिनिन जेंडर है, जनरली हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं लेकिन गीता ही एक है जो उसमें फेमिनिन जेंडर, क्यों? क्योंकि उपनिषद का भी वही जेंडर। तो गीता के आप हर एक चैप्टर के अंत में देखेंगे कि इति श्रीमद्भगवद् गीतासु उपनिषत्सु, तो वो गीता उपनिषद का ही रूप है, इसीलिए जो मंत्र रूप में उपनिषद है वही श्लोक में गीता। श्लोक और मंत्र में भी अंतर हमें समझना चाहिए, जो वैदिक वर्ष है उसको हम मंत्र कहते हैं और वैदिक से अलग जो टेक्स्ट है उसमें जो आपको श्लोक मिलते हैं उसको हम श्लोक कहते हैं, वर्ष कहते हैं। तो ये बात जनरली हम वेद में भी कहते हैं कि ये श्लोक हमें दिख गया, तो वो श्लोक ने उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र मनना, ऋषि ने जो नेचर के प्रिंसिपल को जो देखा उसको वर्ड फॉर्म में लाया उसको हम मंत्र कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जो जनरली जो ऋषि हैं आज के टेक्नोलॉजी में कहेंगे तो वो एक तरह से वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार नेचर के प्रिंसिपल को जाना, इसीलिए उसकी यूनिवर्सैलिटी, इसीलिए उसकी सनातनता, क्योंकि किसी एज में हम रहें कितना भी हम मॉडर्न हो जाए लेकिन वो प्रिंसिपल एक जैसे, उस प्रिंसिपल को साइंटिस्ट भी फॉलो कर रहे हैं, उस प्रिंसिपल को सोसाइटी भी फॉलो करती है, सब फॉलो। तो गीता के बारे में आदि शंकराचार्य जो हैं उन्होंने पहली बार भाष्य लिखा है उपनिषद पे, ब्रह्मसूत्र पे और गीता। गीता का भाष्य लिखने से पहले उन्होंने भूमिका में लिखी है इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम, यानी ये जो गीता है संपूर्ण वेद का एसेंस है, इसीलिए यदि कोई गीता को पढ़ता है तो उसको किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कंप्लीट इंडियन नॉलेज उसके पास है। तो इतना समझने के बाद जहाँ से स्वामी जी ने शुरू किया था कि हमारा जो जीवन है वो दो तरह के कर्मों से जुड़ा हुआ है, गीता को कर्म शास्त्र भी कहते हैं, गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं, तो कर्म से कोई अलग नहीं रह सकता। गीता में कृष्ण कहते हैं कि न ही कश्चित क्षण तिष्ठत्य कर्म, यदि आपके पास शरीर है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, यदि कर्म नहीं करेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो
तो अब कर्म तो करना है, अब कैसा कर्म करना है इसके लिए दो ही ऑप्शन, या तो सकाम करना है या निष्काम करना है। ये आपके लिए जो आप जैसा आपका जीवन आपकी दृष्टि है वैसे ही आप करेंगे। तो कर्म दो तरह के होते हैं, एक कर्म जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो मर्जी होगा हम करेंगे, वो एक तरह का कर्म है। दूसरा कर्म है कि जो शास्त्र में कहा गया है वो कर्म है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थितो। शास्त्र जो है आपके जीवन में जिस कर्म को करने के लिए कहता है, यदि ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कभी दुख नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हजारों वर्ष के चिंतन का परिणाम है कि कौन कर्म करने से, जो कर्म में लगता है कि बहुत अच्छा है, 10 साल के बाद वो ऐसा विष जैसा रिजल्ट देना शुरू करेगा कि लगता है हमने क्यों शुरू किया। और कभी कभी लगता है कि शुरू में बहुत ये ठीक कर्म नहीं है, बहुत ये कष्ट दे रहा है, लेकिन बाद में वो अमृत के समान आपको रिजल्ट देना शुरू करता है। तो ये जो दूरदृष्टि है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण। शास्त्र में यदि तुम कर्म को समझ लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं। जो स्वामी जी ने पहले भूमिका ली, जो हम सबके जीवन में आता है कि क्या करें ना करें, जो स्टेट ऑफ डाउट होता है हमेशा, तो ये कर्म जो है ये शास्त्रानुकूल होना चाहिए, ऐसा गीता कह रही है। लेकिन कर्म से पहले क्या चाहिए? हम जनरली, हमारा प्रिंसिपल है नॉलेज प्रॉम्प्ट्स बिहेवियर। हम जो भी एक्शन हमारा होता है उसके पहले हमारी सोच होती है, और सोच कैसे होती है? जैसे हमें संसार दिखता है। तो नॉलेज इज बेस्ड ऑन रियलिटी एंड एक्शन इज बेस्ड ऑन नॉलेज। एक सिस्टम है, आपका जो काम है वो ज्ञान पे टिका हुआ है, सोच पे टिका हुआ है। सोच कैसी है? जैसा आप देख रहे हैं। तो इस तरह से सारी चीज कैसे आ गई कि हम कैसे देख रहे हैं इस संसार को? तो संसार को देखने के लिए सबसे पहले कृष्ण ने शुरू किया है कि आपको सबसे पहले हमें 15वें अध्याय पे ध्यान देना। मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि पूरी गीता को शास्त्र था, लेकिन 15वें अध्याय को अलग से शास्त्र। 15वें अध्याय के अंत में एक श्लोक आता है कि इति इति गुह्यतम ख्यातम। ये जो गुह्यतम विषय है, गंभीर विषय, उसको मैंने कहा है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारतम्। यदि तुम इसको समझ लोगे तो उसके बाद भी सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब जब ये कहा है कि इति गुह्यतम शास्त्रम, आचार्य शंकर उस पर क्वेश्चन करते हैं, जब पूरा शास्त्र पूरी गीता शास्त्र है तो भी 15वें अध्याय को अलग से क्यों शास्त्र? ये तो रेपिटेशन है, तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो 15वें अध्याय है उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। और पुरुषोत्तम योग में पूरे जो पूरी जो सृष्टि प्रक्रिया, जो पूरा क्रिएशन कैसे हुआ, उस प्रोसेस को बताया। और उसमें ये बताया है कि तीन तरह की सत्ता है, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, एक उत्तम पुरुष है। ये क्षर पुरुष क्या है? जो सृष्टि हमारे सामने है, ये क्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष क्या है? जो इसका कारण है, जो अनमैनिफेस्टेड है, हिडन है लेकिन है। और तीसरा है उत्तम पुरुष, जो क्षर में भी है, अक्षर में भी है, सब जगह है, जो सर्वम खलदम ब्रह्म की बात है। ये हमारा मेटाफिजिक्स। हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यदि ये चीज आपके दिमाग में हो, इसका मतलब जो अल्टीमेट ट्रुथ है वही कॉजल स्टेट में है, और वही अभी ग्रॉस स्टेट। तो इस तरह का यदि मेटाफिजिक्स है, तत्व हमारे दिमाग में रहे, तो इसका मतलब है कि सत्ता को हम इस दृष्टि से देख रहे हैं। जब इस दृष्टि से देख रहे हैं तो वेद का वह मंत्र कि एको हम बहुश्याम, वन बिकम्स मेनी। वन बिकम्स मेनी मीन्स मेनी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन, वन इज मेनी, मेनी आर वन। ये जो वन टू मेनी और मेनी टू वन का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत का प्राण है। क्यों? क्योंकि यही जो ज्ञान है वो हमें दुनिया से अलग करता है। दुनिया से क्यों अलग करता है?
कि जैसे अभी हम पहले रूम में बात कर रहे थे कि पूरा जो सेमेटिक कल्चर, वो सेमेटिक कल्चर जो है वो जो माइंड मैटर डुअलिज्म को एक्सेप्ट करता है, और माइंड मैटर डुअलिज्म में जो क्रिएटर उसका गॉड है वो इस क्रिएशन से बाहर है। तो उनका जो वर्ल्ड व्यू है उसमें जो क्रिएटर है वो क्रिएशन से बाहर है, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है जो क्रिएटर है वो क्रिएशन में रह रहा है। जब क्रिएटर क्रिएशन में रहता है तो कोई जिहाद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिसके लिए आप जिहाद करेंगे, जो करेंगे, वो वही बैठा है। यदि आप किसी आदमी को मार रहे हैं तो वो आदमी में ईश्वर बैठे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ये कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबके हृदय में मैं बैठा हूँ। अब ये बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल, अभी जो मॉडर्न साइंस में जो रियलिटी की जो बात एक्सपेरिमेंट के बाद सामने आई है कि जो कॉजल स्टेट है वही ग्रॉस स्टेट में है। एनर्जी जो है वो कॉजल स्टेट में है, वही एनर्जी मास के रूप में है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये जो फॉर्मूला दिया है मॉडर्न साइंटिस्ट ने, ये केवल वैदिक सिस्टम में फिट बैठ रहा है। यहाँ से थोड़ा मैं आइंस्टीन को लाना चाहूँ, क्योंकि आइंस्टीन गीता पढ़े हुए थे और उन्होंने गीता के बारे में कहा है कि गीता पढ़ने के बाद मुझे गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में सारी समस्या का समाधान, उसके बाद हमें कोई शंका नहीं। तो इसलिए पहला जो इशू है, जो मेटाफिजिकल इशू है कि मॉडर्न साइंस और गीता में कैसे पैरेलल हम देखते हैं, तो इसमें आप देखिए कि उनको क्वेश्चन पूछा, उनको एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा कि डू यू बिलीव इन गॉड। आइंस्टीन कहते हैं कि आई एम नॉट एन एथेइस्ट, मैं नास्तिक नहीं हूँ। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड इज टू वास्ट फॉर आवर लिमिटेड माइंड्स। We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many languages. The child knows someone must have written those books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects the mysterious order in the arrangement of the books, but doesn't know what is this. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being towards God. We see the universe marvelously arranged and obeying certain laws, but only dimly understand these laws. अब देखिए उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि बच्चा कोई लाइब्रेरी में चला जाए तो वो बच्चे को उस लैंग्वेज का पता नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है कि बुक्स है, उसको इतना पता है कि कुछ लिखा हुआ है, और इतना पता है कि कोई लिखा, लेकिन क्या लिखा है ये नहीं पता। कहते हैं कि हमारे लिए संसार ऐसे, ये पूरी संसार एक लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में एक एक चीज जो है वो बुक की तरह है। हम लोग जो हैं जब इस संसार को देखते हैं तो लगता है कि कुछ तो है, और एक ऑर्डर भी है। हम देखते हैं सीजन होता है, क्रिएशन है, सस्टेनेंस है, फिर डिस्ट्रक्शन है, एक ऑर्डर है। लेकिन ऑर्डर को के पीछे भी कोई चीज है, क्योंकि इतना सर्टेन ऑर्डर अपने आप में एक्सीडेंटली नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि इस ऑर्डर के पीछे जो लॉ काम कर रहा है, इस ऑर्डर के पीछे जो रियलिटी है, यदि वो रियलिटी है तो उसको हम ईश्वर कहते हैं। यदि इस तरह का ईश्वर है तो फिर मैं ईश्वर मानता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। अब आप उपनिषद का ये मंत्र देखेंगे कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। कहते हैं ऋषि कि जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें सृष्टि टिकी हुई है, जिसमें सृष्टि फिर विलीन हो जाती है, ये जो क्रिएशन हमारे सामने है, यदि इसको कोई जानता है, इसका कारण जानता है, वो अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको जानना चाहिए। तो ये जब आप देखेंगे कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, जैसे सेमेटिक वर्सेस जो वैदिक है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो वो पर्सनल गॉड मानते हैं, हम इम्पर्सनल गॉड मानते हैं। पर्सनल गॉड का मतलब ही है कि वो क्रिएशन से बाहर है, इम्पर्सनल गॉड का मतलब ही है वो क्रिएशन के अंदर है। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितनी प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस का कोई कंट्रोलर नहीं,
क्योंकि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब ऑटोमेटिक है, उसमें आपका कोई रोल नहीं, ये होता है। तो जो होता है वो किस प्रिंसिपल के तहत हो रहा है, जिस प्रिंसिपल के तहत हो रहा है उसको ऋषि कहते हैं कि ये वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी बैठा हुआ है अंदर, यानी जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है वही प्रिंसिपल आपके अंदर बैठा हुआ है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। ये जो अंतर्यामी का प्रिंसिपल है ये मॉडर्न साइंस के लिए एक चमत्कार की तरह है, क्योंकि जो जो डायनामिक प्रोसेस यूनिवर्स के लेवल पे चल रहा है, द सेम डायनामिक प्रोसेस इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग फ्रॉम विद इन। तो ये जो फ्रॉम विद इन का कॉन्सेप्ट है ये सेमेंटिक कल्चर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यूटोनियन साइंस का कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न साइंस में सारी बातें आई है। अब मॉडर्न साइंटिस्ट जितने हैं, वो आइंस्टीन हो, वो मैक्स प्लैंक हो, वो वर्टर हाइजनबर्ग हो, इरविन श्रोडिंगर हो, इवन ब्रोकली हो, इवन बहुत सारे इवन जॉन ए व्हीलर हो, जितने टावरिंग साइंटिस्ट हैं वो सब के सब ये गीता और उपनिषद ये उनके स्टेटमेंट बताते हैं। तो आप तो अब देखिए, एक उनका जो क्वेश्चन कर रहा है कि आप जो जिस गॉड को मान रहे हैं क्या वो क्या उनको कि वो ज्यू थे, यहूदी थे, तो कहते हैं कि आप क्या ज्यूइश गॉड को मानते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं एक ज्यू हूँ, लेकिन जब इस प्रिंसिपल की बात आती है तो इन दिस वे आई एम नॉट ज्यू, मैं उस स्पिनोजा के प्रिंसिपल को मानता हूँ जो माइंड मैटर में डुअलिज्म नहीं मानता, माइंड इज मैटर, मैटर इज माइंड। हमारे यहाँ क्या प्रिंसिपल है कि सब जगह वही आत्मा है, सब जगह वही ब्रह्म है, तो जो मैटर है वो भी फाइनली सुप्रीम ट्रूथ है, जो सुप्रीम ट्रूथ है वही मैटर है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साइंटिफिक प्रिंसिपल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप लोग सब पढ़ाते हैं इस चीज़ को, न्यूटोनियन साइंस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एटम में मोशन क्रिएट करता है। जनरली जब एटम में जब रिलेशन बनता है इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तभी मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं तो दो एटम में रिलेशन ही नहीं बनेगा। लेकिन जो मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट है कि एटम हैज इट्स ओन डायनामिक प्रोसेस, एटम को किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, वो अंदर से ही उसमें डायनामिज्म, और वो हम देख रहे हैं कि आज एक एटम में कितने सब पार्टिकल्स आ गए हैं जिसके अंदर एक डायनामिक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू पूरा एटम का स्ट्रक्चर है, एटम के स्ट्रक्चर उस इंटरनल प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल ऑफ फर्दर चेंज होती है, फिर क्रिएशन बनता है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट ने अंतर्यामी के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे प्रेजेंट किया है, ये हमें बहुत इंस्पायर कर रहा है। अब भगवद गीता में जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मंत्र परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसको अभी मैंने क्षर अक्षर और उत्तम इस रूप में देखा कि ये ग्रॉस रियलिटी भी वही है, जो कॉजल स्टेट है वो भी वही है, और जो सुप्रीम ट्रूथ है वो सब में रहते हुए वही है। तो इसी को सेवेंथ चैप्टर में जहाँ नेचर की बात कृष्ण करते हैं तो वहाँ कहते हैं कि मुझसे अलग कुछ नहीं है संसार, सब जगह मैं विद्यमान हूँ। कैसे? तो जैसे सूत्र मणिगणा, वो जैसे कि धागे अंदर में धागा है और ऊपर से मोती की माला है, तो वो धागा दिखता नहीं है लेकिन वो सबको इंटरकनेक्ट कर रहा है। तो इंटरकनेक्टिंग और यूनिफाइंग प्रिंसिपल के रूप में जो हमारे यहाँ सुप्रीम ट्रूथ की बात कही गई है वो पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रिंसिपल है। इस तरह की बात आप कर सकते आगे और आगे। दूसरा जो नॉन एथिस्ट की बात है, आज के समय में फैशन है, फैशन ये है कि थोड़ा साइंस पढ़ने लगा, इसका मतलब हम नॉन जो एथेइस्ट है वो बनना जरूरी है, नास्तिक है, सब कुछ ऐसे ही है, जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, एक सोच है कि एक अपने आप सब कुछ डेवलप होता है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इसके बारे में हमको बहुत प्रश्न पूछा जाता था कि ये क्या है, वो क्लियरली ये चीज़ कहते हैं कि मैं कभी भी नास्तिक नहीं हूँ, लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं, लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि जो आइंस्टीन जो है नास्तिक है, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूँ। कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे सिगमंड फ्राइड जो थे, बर्नार्ड बर्ट्रेंड रसेल थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, ये लोग क्लियरली नास्तिक थे, ये कहते थे कि ईश्वर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैं
पूरा का पूरा टेस्ट हो, तो इस रूप में वो हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उपनिषद में ऋषि हमारे कहते हैं कि मैत्री उपनिषद का स्टेटमेंट है, कहते हैं इफ एनी वन नोज सुप्रीम रियलिटी एज नॉन एग्जिस्टिंग ही हिमसेल्फ बिकम्स नॉन एग्जिस्टिंग। यदि आपका नेगेटिव माइंड सेट है तो धीरे धीरे फाइनली आपका नेगेशन ही हो जाता है, यदि आपका माइंड पॉजिटिव माइंड सेट है तो धीरे धीरे आपको अपने आप सारे पॉजिटिव रिजल्ट दिखते रहते। तो जैसे हम कहते हैं जैसी हमारी सोच है वैसे धीरे धीरे रिजल्ट आने लगता है। तो उपनिषद के वेद के ऋषि ने साफ कहा है कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होते होते वैसा ही नेचर आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन यदि आपने नेगेटिव अप्रोच ले लिया तो धीरे धीरे फाइनली आपका नेगेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे एक सेंटेंस आप ले लेते हैं, आप कहते हैं कि मैं इंस्टीट्यूट जाता, तो इसमें क्या है सारी पॉजिटिविटी, मैं है गोल इंस्टीट्यूट है गोइंग एक्शन है सब चल रहा है। लेकिन आप यदि इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं जाता तो क्या होगा, न गोल फिक्स है न एक्शन है कुछ नहीं है, आप गोल से रहित हो गए, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। तो नेगेटिविटी जो है इवन स्टेटमेंट जो है दैट डजंट लीड यू टू एनी गोल। इसीलिए इस तरह का जो अप्रोच है तैतृय उपनिषद में कहा है उसी को आइंस्टीन बार बार कहते हैं कि नहीं हमें कभी भी एथेइस्ट नॉन एथेइस्ट एथेइस्ट नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिविटी को ध्यान में रखना चाहिए। भगवद्गीता में इसी बात को कहा है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजन क्या, रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि धर्म वर्सेज रिलीजन ये जो सिस्टम है वो धर्म को हम कभी रिलीजन नहीं कह सकते, रिलीजन को कभी धर्म नहीं कह सकते। लेकिन आइंस्टीन जो टर्म यूज करते थे वो रिलीजन यूज करते थे, वो रिलीजन क्या, वो रिलीजन सेमेटिक रिलीजन नहीं, वो रिलीजन उपनिषद और गीता का रिलीजन, वो रिलीजन क्या है। आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट आप देखिए, ट्राई एंड पेनिट्रेट विद आवर लिमिटेड मींस द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड यू विल फाइंड दैट बिहाइंड ऑल द डिसर्नेबल लॉज एंड कनेक्शंस देयर रिमेन्स समथिंग सटल इंटेंजिबल एंड इनएक्सप्लिकेबल वेनरेशन फॉर दिस फोर्स बियॉन्ड एनीथिंग दैट वी कैन कॉम्प्रिहेंड इज माय रिलीजन। हमारे सामने सब कुछ है और हमारे सामने एक ऑर्डर है, हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ जो है वो 30 सेकेंड जो 30 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से मूव कर रही है सूर्य के चारों ओर, पूरा सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी में मूव कर रही है, पूरा गैलेक्सी जो है वो पूरे ब्रह्मांड में मूव कर रही है, ये सब एक फिक्स्ड है, इसको कोई डिनाय नहीं कर सकता। कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये हमारा अर्थ से रिलेशन, अर्थ का गैलेक्सी से रिलेशन, गैलेक्सी का ब्रह्मांड से रिलेशन, उसका किसी और से रिलेशन, ये जो सारा एक ऑर्डर है समझने का, ये ऑर्डर को हम धर्म कहते हैं। हमारे यहाँ थ्रू जो पहला श्लोक है 15वें अध्याय का कि उर्ध्व मूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्रारब्धम, ये जो ऑर्डर जो मैंने एक वो हम बोध श्यामों का बताया, कहते हैं लेकिन इसको कोई जानता है तो वो जानना धर्म, क्योंकि जैसे ही आपका इस तरह का मेटाफिजिक्स डेवलप हो जाएगा तो आपको इस समाज को परिवार को प्रकृति को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा, फिर आपका ये सारा जो शत्रुता है द्वेष है ये सब धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू होगा, क्योंकि आप नदी में भी उसी को रूप में देख रहे हैं, पेड़ में वही देख रहे हैं, पर्वत में वही देख रहे हैं, हमारे घर के लोगों में वही देख रहे हैं, अपने आप आपका टॉलरेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, अपने आप में आप त्याग की है। तो ये जो चीज है असली में गीता में उपनिषद में इसको धारण करता है, यही सस्टेन करता है, यही धारण करता है सिस्टम। यदि यदि इन चीजों को हटा दिया जाए तो फिर संसार नहीं टिक सकता। तो ये सारे प्रिंसिपल धर्म है। आइंस्टीन कहते हैं कि यदि इस तरह का आपका एटीट्यूड है तो इस रूप में मैं धर्म, इस रूप में मैं धर्म को जानता हूँ। अदरवाइज जो सेमेटिक का कल्चर है ये एक पूरा सिस्टम है उनका, कि जैसे पोप सेंट्रिक है कि उसी के ऑर्डर में आपको रहना है, उससे बाहर नहीं देख सकते। आपका जो ये क्वेरी है, क्वेस्ट है जो नेचर को समझने का,
उसका उस रिलीजन से कोई लेना नहीं। तो ये चीज जो है हमें जानना बहुत जरूरी है। फ्रीविल, फ्रीविल एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारा हम सबसे दैनिक जीवन में जुड़ा हुआ है। फ्रीविल का मतलब जो है वो है कि हम किसी चीज को करने के लिए स्वतंत्र, स्वतंत्र है का मतलब आई कैन सेव माई फ्यूचर, आई कैन सेव माई पर्सनैलिटी, आई कैन सेव माई गोल। ये जो चीज है इस पे आइंस्टीन और भगवदगीता अखबार का बिल्कुल ध्यान देने को भी है कि आइंस्टीन हमेशा कहा करते थे कि आई डू नॉट बिलीव इन फ्री विल, हम फ्री विल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं कोई फ्री विल काम कर ही नहीं सकता। ऐसे नहीं काम कर सकता तो इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इवन योर इमोशनल, इवन योर सेंटिमेंटल, इवन योर अदर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय कॉस्मिक लॉ, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है जो पूरा सेमिटिक कल्चर का व्यू फ्री विल का कि हमारी जो इच्छा होगी हम करेंगे। गीता जो है इसको थ्रू आउट अर्जुन को ये भी समझा, वो जैसे कहते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं सन्यासी बनूंगा। तो द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो पांचों पांडव ने प्रतिज्ञा की कि ये करूंगा वो करूंगा, कोई खून पीऊंगा कोई ये करूंगा, और जब लड़ने का टाइम आया तो अब कह रहे हैं कि अब मेरे देह थरथरा रहे, अब मेरे गांठ थरथरा रहे, अब मेरा गांडीव नीचे जा रहा है, अब मैं भाई बंधु की हत्या करने के बदले में संन्यास लेना पसंद करता हूँ और मैं भिक्षाटन करते जीवन। तो इसलिए जब आप दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ेंगे तो कृष्ण जी जब उन्होंने बहुत सुना तो उनको वो डांटते हुए कहते हैं, तो शुरू जब करते हैं 12वें अध्याय के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से कि कहते हैं कि तुम क्लेम करते हो कि मैं पंडित हूँ जानकार हूँ और बात गुरु की तरह कर रहे हो। जो विद्वान होते हैं पंडिता कहते बात कर रहे हो विद्वानों की और काम कर रहे हो मूर्ख वाले। विद्वान तो कभी सोचते नहीं ना कि आत्मा की मृत्यु होती है, ये तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि आत्मा की मृत्यु होती है। तो आप कह रहे हो कि भीष्म मरेंगे, मेरे भाई बंधु मरेंगे, मेरे हाथ से मरेंगे, तो कहते हैं ये किस तरह की भाषा, ये भाषा तो जो सामान्य लोग है वो ऐसी भाषा में बात करते हैं। जो तत्व ज्ञानी है वो तो मानते ही नहीं कि आत्मा मरता है, तो इसलिए इन चीजों से वो शुरू करते हैं। और शुरू करते करते आप देखेंगे कि द्वितीय अध्याय में पूरे में आत्मा का हमको ज्ञान बताते हैं, लेकिन असली चीज जो है फ्री विल से जुड़ा हुआ है जिसको कि स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से, मैं आऊँगा उस श्लोक पे। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए जो मैनेजमेंट का भी से जुड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि देखिए संसार में कोई भी जो काम होता है उसमें पांच कारण होते हैं। पांच कारण है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम च पंचम। कहते कोई भी व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ता है तो उसमें ये पांचों कारण होते हैं। कौन कौन है? अधिष्ठानम, जैसे अभी हम बैठे हैं तो ये जब तक ये टेबल नहीं होगा, चेयर नहीं होगा, हॉल नहीं होगा, इंस्टीट्यूट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ये जब एक बेस होना चाहिए। दूसरा, बेस में जो हम आप सब हैं, जो कोई पढ़ाते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई मैनेजमेंट देखते हैं, ये सारे जो है वो करता है। करण है, करण का मतलब कितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको हर एक चीज में हेल्प कर रहा है। चौथी क्या है? तरह तरह की एक्टिविटी है, जैसे कि सुबह से हम दोनों कैसे आएंगे, क्या होगा, 20 बार फोन करना, मैनेज करना, ये सारी जो एक्टिविटी चल रही है ये अलग रोल प्ले कर रहा है। और अंत में कहते हैं कि दैवम चैवात्म पंचमम, ये सब तब ठीक चल रहा है जब अभी उपान नहीं आ गया है, ये सब तब ठीक चल रहा है जब बाढ़ नहीं आ गई। गुजरात में जहाँ बाढ़ है वहाँ नहीं हम सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते, असम में नहीं कर सकते। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो हर एक एक्ट में ही पांच चीजों का रोल है। अब पांच चीज में तो डूअर एक हुआ ना, पांच में तो डूअर एक हुआ, तो 20% उसका क्लेम है, 80% क्लेम दूसरे का है,
जब 80% दूसरे का क्लेम है तो 20% वाला कैसे कह सकता है कि मैं जैसे एक्ट करूंगा मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट हो, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं। तत्रैव सती, इस श्लोक के बाद कहते 18वें अध्याय का है, तत्रैव सती कर्तारम् आत्मानं केवलम् यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सपश्यति दुर्मतिः। कहते हैं ऐसे जो सोचता है कि जो जो मैं कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट हो, तो कहते हैं इसका मतलब उसकी बुद्धि रिफाइंड नहीं। बड़ा सामान्य स्तर का आदमी है कि जो मैं करूँ उसके हिसाब से रिजल्ट मिलने लगे, कभी मिल ही नहीं सकता। तो अब जो इस ये जो स्ट्रक्चर वहाँ है, आप उसको जोड़िए जो स्वामी जी समझा रहे थे कि कर्मनिर्वाधिकार से। अब देखिए कि क्या मैथमेटिक्स है यहाँ पे, तो चार चीज बता रहे हैं आप कि कर्मनिर्वाधिकार से यू मस्ट बी ड्यूटी ओरिएंटेड, कर्म करना ही पड़ेगा नहीं तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। आप ये कोई कह रहे सोएंगे वो भी कर्म है, खाएंगे वो भी कर्म है, दूसरे की निंदा करेंगे वो भी कर्म है, तो कर्म निर्वाधिकार से आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अब कर्म करना पड़ेगा तो दो ही उसके हैं कि उसका रिजल्ट ओरिएंटेड हो एक्शन या ड्यूटी ओरिएंटेड हो एक्शन। तो वो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, यू मस्ट बी ड्यूटी ओरिएंटेड, तो आप फल को ध्यान में रखो, कर्म करना पड़ेगा, फल आपके हाथ में नहीं है क्योंकि चार और दूसरा है। अभी गुजरात के लोग या असम के लोग जहाँ बाढ़ से लोग 100 के 100 लोग मर रहे हैं, वहाँ यदि कोई कहेगा कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है तो साफ कितना नहीं होगा आपके हिसाब से। तो इसलिए कहते हैं कि फल की को मत ध्यान में रखो, जैसा है वो एक्ट करो। और तीसरा, माँ कर्म फल हेतु भू, कभी भी कर्म का कारण तुम हो ऐसा नहीं समझना, क्योंकि कर्म के कारण 5 है। ठीक है, यदि कर्म का कारण मैं नहीं हूँ, यदि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, तो दिमाग कहा सकता है कि कर्म क्यों करूँ। तो कहते हैं माते संगोष तो कर्म नहीं, तो अकर्म में तुम्हारी निष्ठा नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मैथमेटिक्स है लाइफ का, ये मैथमेटिक्स यदि पूरा गीता को आपको ध्यान में रख के चलें और देखें कि वन बिकम्स मैनी, दैट वन इज नॉट मैटर, दैट वन इज कॉन्शियस बीइंग। जैसा किसी ने प्रश्न पूछा था स्वामी जी जब कह रहे थे कि जो वो कैसे है, हमारा असली स्वरूप क्या, हमारा असली स्वरूप क्या, तो सीधे सीधे लिख दिया है ऋषि ने कि स्वरूप क्या है, आपके 5 ऐसे तत्व आप में हैं जो एक यूनिक, पहला है कि आप सत्य स्वरूप, जो ओरिजिनल नेचर आपका है वो सत्य का मतलब नॉन चेंजिंग। हमारे अंदर दो चीज़ है ना, एक चेंजिंग है एक नॉन चेंजिंग। यदि नॉन चेंजिंग वाला किसी का माइंड हो गया तो अमर हो गया, यदि बॉडी को आप अपना स्वरूप मानेंगे तो मरना पड़ेगा। तो पहला आपका जो असली नेचर है वो नॉन चेंजिंग सत्य स्वरूप, दूसरा आपका जो ओरिजिनल नेचर है वो कॉन्शियस बींग, वो मैटर नहीं है, हम मैटर से नहीं डेवलप हुए, हम कॉन्शियस बींग से डेवलप हुए। तो दूसरा जो है आपका ओरिजिनल नेचर कॉन्शियस, तीसरा जो है जैसे स्वामी जी कह रहे थे आपका जो असली नेचर है वो इनफाइनाइट, आप अनंत समय तक सोच सकते हैं, आप अनंत ज्ञान है आपने, आप जितना चाहे, जैसे आइंस्टीन को लोग कहते थे कि उन्होंने अपने इंटेलेक्ट का सिर्फ 7 से 8% इस्तेमाल किया। अब देखिए कि जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो जब 7-8% इस्तेमाल किया तो आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, तो ये आपको इन्फिनिटी बना, आप इनफाइनाइट। चौथा क्या है कि आप यू आर स्टेट ऑफ ब्लिस, आप दुख रूप नहीं है, आप आनंद स्वरूप। यदि आप अपने कोर को समझें, अभी आप असली को पहचाने तो दुख गायब हो जाएगी। ये दुख इसीलिए है क्योंकि शरीर को अभी आप अपना स्वरूप मानेंगे, जब शरीर को मानेंगे मन बुद्धि को आप अपना रूप मानेंगे तो वो दुखी रहेंगे, कितना भी आप अरब करोड़ कमा लें उससे कोई फर्क नहीं। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं रहे तो आप पूछिएगा तुमको भी दुख हो रहा है, ये ना, वो कोई भी हो कोई स्टेट हो दुख रहेगा यदि आप शरीर को अपना रूप माने। और पांचवा है कि यू आर नॉन डूअर, यू हैव अंडरस्टैंड दैट यू आर एवरीथिंग, अदर्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, यू आर दैट। ये जो प्रिंसिपल है कि जो एक मॉडर्न साइंस का एक बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट इशू आया है कि क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, क्वांटम फिजिक्स स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटीज,
क्वांटम फिजिक्स का जो लक्ष्य है वो पार्टिकल का स्टडी नहीं है, क्वांटम फिजिक्स का लक्ष्य है सब पार्टिकल के बीच में रिलेशन क्या है उसका स्टडी। इसीलिए तो कहता है द होल यूनिवर्स की जो वेव, होल यूनिवर्स की जो नेटवर्क का मतलब नो इंडिविजुअलिटी, वो एक बहुत अच्छा फिट जब कैमरा वेव ऑफ लाइफ में बड़ा अच्छा देते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाला जाल होता है, मछली पकड़ने वाले जाल में गांठ भी होती है, अब वो गांठ जो है ना हम सारे इंडिविजुअल हैं, लेकिन वो गांठ जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरी गांठ से जुड़ा हुआ, दूसरा तीसरी गांठ से जुड़ा हुआ, इस तरह पूरा जो नेट है वो नेट पूरा यूनिवर्स, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सो नो क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसीलिए यदि आपको अपने स्वरूप को जानना है तो आपको यूनिवर्सल बनना पड़ेगा, ठीक है ना। यू कैन अंडरस्टैंड योर ओरिजिनल नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल, ठीक है। इसी को हमारे ऋषि ने कहा तत्त्वमसि का क्या मतलब है कि तुम तदसि, यू आर नॉट इंडिविजुअल, यू आर दैट सुप्रीम, यू आर दैट कॉस्मिक ट्रुथ, यानी आप में और दूसरे में अंतर नहीं है। देखिए हमारे वेद के चार वाक्य महावाक्य जिसको जिसपे की पूरी हमारी संस्कृति आधारित है, चारों महावाक्य का एक ही अर्थ, एक वेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब आवर कॉन्सियसनेस इज सुप्रीम कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस को आप इंडिविजुअल रूप में नहीं जान सकते, उसका असली नेचर प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ऋग्वेद का संदेश है। दूसरा यजुर्वेद का संदेश है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट, मतलब इंडिविजुअल इज सुप्रीम। तीसरा है तत्त्वमसि, त्वम तत्, यू आर दैट, यू आर नॉट दिस लिमिटेड बी, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि कंडीशनड वर्सेस अनकंडीशनड, सो यू हैव टू गो टू दैट अनकंडीशनड स्टेट ऑफ रियलिटी। At present we are thinking ourselves as conditioned reality. तो त्वम का मतलब conditioned, तत् का मतलब unconditioned. और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा फिर यही individual और ब्रह्म। तो पूरा जो वेद का मैसेज है, you have to understand your true nature only in the context of whole, not as part. Not you should not accept fragmented reality. You should accept always यूनिफाइड स्टेट। ये जो चीज है, इसी चीज को जब आप कर्म की थ्योरी से जोड़ेंगे, ये ज्ञान आपका है, ये सत्ता है, ये ज्ञान है, तो एक्शन कैसे होगा? एक्शन जब भी हम दूसरे को टारगेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि दूसरा वही है, आप ही दूसरे हैं। जब आप ही दूसरे हैं, ये इस तरह का जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो दूसरे के प्रति जो क्रोध है, दूसरे के प्रति जो आपका द्वेष है, अपने आप मेल्ट कर। जैसे वृदारण्य की लाइन हम आपस में बात कर रहे थे कि यत्र द्वैतमिव भवति तत्र इतरितरं पश्यति, ऋषि कहते हैं कि जब कोई मान लेगा कि दो है तो दो जैसा व्यवहार करेगा। यत्र तु सर्वम आत्मैवा भूत, जब मान लेते हैं कि मैं वही हूँ तो वैसा व्यवहार करेगा। तो इसीलिए ये जो चीज है, इसको जब आप कर्म पे लाएंगे तो अपने आप निष्काम कर्मी भी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थ या द्वेष या राग क्यों करते हैं? दूसरे से लेना चाहते हैं, दूसरे का हमारे को इतना करप्शन क्यों हो रहा है? किसी के घर से 15 करोड़, किसी के घर से इतना गोल्ड, किसी के घर से ये, क्यों? क्योंकि हम दूसरे को ले लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा के लिए दूसरे हैं। तो ये हमारा शास्त्र नहीं बताता। तो इसलिए जो कर्म की थियरी है, आइंस्टीन जो थे इसी कर्म की थियरी को मानते रहे जीवन, जो कुछ भी एक्शन हमें करना है वो ड्यूटी ओरिएंटेड करना है। तो उसमें मैक्स बॉर्न थी, उनकी पत्नी ने उनको कष्ट पूछा, इफ एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय कॉस्मिक लॉ, देन देयर इज नो मोरालिटी इन सोसाइटी। तो फिर समाज में नैतिकता खत्म हो गई ना, कोई किसी का मर्डर कर दे, कर इट हैज बीन डिसाइडेड बाय कॉस्मिक लॉ, देन आई शुड नॉट बी पनिश्ड। तो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आइंस्टीन, ये मैक्स बॉर्न की वाइफ ने पूछा था कि आप कैसी बात कर रहे हैं, तो समाज में नैतिकता ही खत्म हो जाएगी। तो वो कहते नहीं नहीं, नैतिकता भी हमें मेंटेन करना है। जैसे कृष्ण पूरी गीता में कहते हैं कि आप अर्जुन बन के रहो, लेकिन अर्जुन को ब्रह्म के दृष्टि से देखो। वो स्वामी जी ने कहा ना कि
हमारे पास आ जाओ, जब हमारे पास आ जाओगे सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जब मेरे पास आ जाओ ये तो इंडिविजुअलिटी गायब हो जाएगी, जब इंडिविजुअलिटी गायब हो जाएगी तो ये सारी चीज समाप्त हो जाएगी। लेकिन अर्जुन के रूप में आपको मोरालिटी को मेंटेन करना है। आइंस्टीन कहते हैं कि फिलोसॉफिकली ए मर्डरर इज नॉट मर्डरर, बट आई वुड नॉट लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विद हिम। हम मानते हैं तात्विक रूप से कि हम सब एक हैं, लेकिन यदि कोई मर्डर कर देगा तो फिर हम ये नहीं कहेंगे उसके साथ बैठ के हम चाय पियेंगे या और बढ़िया से फ्रेंडशिप निभाएंगे, नहीं, उसको जो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट है वो मिलना चाहिए। इन दिस वे यू कैन मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी एज वेल एज इट्स रिलेशन विद कॉस्मिक लॉ। ये जो चीज है इसको हमें जानना चाहिए। इसी संदर्भ में जो अभी एनवायरमेंटल इशू है ये इसी से रिलेटेड। अब देखिए जितनी प्रॉब्लम हो रही है ग्लोबल वार्मिंग का या जो कुछ भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसके थ्रू है? ये सारा प्रॉब्लम जो है वो डोमिनेशन के थ्रू है, नेचर को डोमिनेट करना है। और हमने वो मॉडल अपना लिया, जब तक भारत में ये शास्त्रीय मॉडल चल रहा था तो कहीं भी प्रदूषण नहीं था, लेकिन जब से हमने वो मॉडल अपनाया तो हम नेचर को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अभी जो गंगा माता थी उसमें कानपुर की सारी फैक्ट्री का पानी जा रहा है, हरिद्वार का पानी जा रहा है, गंगा माता नाली बन गई। तो नाली क्यों बन गई? क्योंकि हमारी दृष्टि बदल गई। गंगा माता तो माता है क्योंकि देव सुरेश्वर भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौल बिहारी गंगे मम मति रास्ताम तव पद कम तव पद कम आदि शंकराचार्य का है। तो नर्मदाष्टकम उनका देखिए, नर्मदाष्टकम देखिए, यमुनाष्टकम देखिए, जब वो कहते हैं तो एक लाइव जो रियलिटी है उस रूप में गंगा यमुना माता के रूप में देखते हैं। अभी पूरी दिल्ली का पानी हम यमुना में बहाते हैं, तिमारपुर के पास देखते जाते हैं। ये क्या है? ये दो दृष्टि का भेद। एक दृष्टि यमुना को पानी मानता है, दूसरी दृष्टि यमुना को ब्रह्म रूप मानता है। जब यमुना को ब्रह्म रूप मानेगा तो उसमें कोई गंदगी नहीं डाल सकता। यदि यमुना को केवल पानी देते हैं, एक सीवेज मिल गया आपको फ्री का नेचर के द्वारा डेवलप किया हुआ, तो सारा पानी जा रहा है उसमें, वही पानी रिसाइकल करके पीते हैं फिर वही वहाँ देते हैं। तो ये जो चीज है आर्डी ने जो डीप इकोलॉजिस्ट है उन्होंने सीधे कहा है कि गीता को परिषद को कोट करते हुए कि वी कैन टेक केयर ऑफ नेचर इफ वी थिंक दैट नेचर इज नथिंग बट आवर एक्सटेंशन। नेचर हमारा ही रूप है। इस तरह की दृष्टि से ही हम प्रकृति की सुरक्षा कर सकते हैं, इस तरह की दृष्टि से ही पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो नेचर डोमिनेशन की थियोरी है इससे कभी पर्यावरण ठीक नहीं हो सकता जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। सोच का परिणाम होना चाहिए। इसी में एक जो बहुत जरूरी चीज है कि अर्थ के बारे में देखिए, अभी अर्थ चार्टर 2000 आया है, यूएनओ का अर्थ चार्टर 2000 सबको देखना चाहिए वेबसाइट पे है। तो अब देखिए कि 19th century से एक जो हाइपोथेसिस वो ग्रीक का एक टर्म ले लिया गाया, गाया का मतलब होता है अर्थ गॉडेस। अब ग्रीस में गांव में पूजा होती थी पृथ्वी की, वहाँ से जियोलॉजिस्ट ने उस टर्म को पिकअप किया, उस पर स्टडी करना शुरू किया और उसमें एडवर्ड सूस हैं बर्दनास्की हैं इत्यादि लोगों ने करते 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 आगे बढ़ती गई बात। अभी जो जो 1900 या 2000 के 21वीं शताब्दी में जेम्स लवलॉक, जो जेम्स लवलॉक ने उनकी कम से कम 10 पुस्तकें हैं, हमें जरूर देखना चाहिए, रिवेंज ऑफ गाया, होमेज टू गाया, गाया का मतलब अब वो आ गया है। जियोलॉजिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि जियोलॉजिकल फोर्स इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल फोर्स, यानी पृथ्वी के ऊपर जितने जंतु हैं जीव जंतु हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके डायनामिज्म से अलग कुछ है। इसका मतलब What earth is producing that is alive, it means earth is alive। और ये सारा प्रोसेस चलते चलते अभी अर्थ चार्टर लगभग 1987 से शुरू हुआ था, साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू किया बनाने में। अभी अर्थ चार्टर 2000 आप देखिए उसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि अर्थ आवर होम इज अलाइव। अभी हमें अर्थ से वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम एक दूसरे मनुष्य से करते हैं।
वो कहते हैं कि इस संसार का भी सबसे यदि कोई जीवित सत्ता है तो वो पृथ्वी है। और देखिए अथर्ववेद, माता भूमि पुत्र ओम पृथ्व्या, और गीता में देखिए 15वें अध्याय में किया है, कृष्ण कहते हैं कि गामा विश्व जो भूतानि धारियाम्यह मोदसा, कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर मैं बैठा हूँ। गामा विश्व, गाम का अर्थ पृथ्वी होता है, वो मतलब पृथ्वी। हमारे कुछ कम्युनिस्ट बंधु बांधव है तो आप कहते हैं मैं भी झा और डीएन झा। डीएन झा ने बुक लिखी है कि जो वेद में ब्राह्मण लोग जो है वो गाय मारते थे और उनको खिलाते थे, तो आप देखें कि कितना प्रेम है उनको गाय से, गाय के इस अर्थ से, गो के इस अर्थ से। गाय का, गो का निरुक्त में 21 अर्थ में पहला अर्थ पृथ्वी है। पूरे वेद में अधिकतर जो गाय का प्रयोग हुआ है वो पृथ्वी का अर्थ। गीता का जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ, गामा विश्व जो भूतानि धारियाम्यह मोदसा, कृष्ण कहते हैं इस पृथ्वी में मैं अपनी शक्ति से स्थित हूँ, स्वशक्त्या स्थित हो हम। तो ये जो शक्ति से स्थित हो, इसका मतलब जो वैदिक ट्रेडिशन से लेकर गीता तक हम क्या मानते हैं, पृथ्वी कॉन्शियस है, पृथ्वी जो है वो जीवित है। इसीलिए पृथ्वी को पूरी दुनिया में हम हैं जो आदमी माता कहते हैं, माता भूमि पुत्र ओम पृथ्व्या। तो अर्थ का जो अभी लेटेस्ट जो है, जो यूएन ने पोजीशन लिया है, जो पूरे अभी देख रहे हैं कि पर्यावरण के कारण हाहाकार मचा हुआ है, अरब खरब रुपये खर्च हो रहे हैं, तो ये जो चीज़ है कि पृथ्वी जीवित है, ये 21वीं शताब्दी में जो आया है वो वेद से हम शुरू करते हैं और गीता में इस चीज़ को पुष्ट किया गया है। नेचर को, पृथ्वी को, ये का जो दूसरा पार्ट है, आप देखिए कि तीसरे अध्याय में कृष्ण क्या कहते हैं कि देवा भावयता नेन ते देवा भावयन् भुवः, कहते हैं इफ यू टेक केयर ऑफ नेचर देन नेचर विल टेक केयर ऑफ यू। देवा भावयता नेन ते देवा भावयन् भुवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम भावयन्तः। यदि आप नेचर का केयर करते हैं तो नेचर आपका केयर करेगा, दोनों एक दूसरे का केयर करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो नेचर के प्रति दृष्टिकोण, पृथ्वी के प्रति दृष्टिकोण, सारे जो जीव जंतु हैं सबके प्रति दृष्टिकोण, वो मैं पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले, तो जब होमी जहाँ की भावा का भी आया, उनका क्या है कि अमेरिका जो CIA एजेंट था उन्होंने उनका मर्डर किया, अभी एक फाइल खुली है। तो उस समय होमी जहाँ की भावा हमारे देश के पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिन्होंने पहली बार काम किया था न्यूक्लियर पर। तो उस समय जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे उनका स्टेटमेंट था होमी जहांगीर भाभा को देखिए कि ये क्या चूहे का पूजा करने वाले, ये पेड़ पौधे की पूजा करने वाले, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, इनकी क्या ऐसी स्थिति है। तो आप उसमें स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वो स्टेटमेंट और इंडियन का वर्ल्ड व्यू, ये पूरा दो सेमेटिक व्यू और इंडियन व्यू को बताता है। और आप तो देख रहे हैं कि इंडिया कहाँ चला गया, लेकिन नेचर के प्रति दृष्टिकोण, व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण, समाज के प्रति दृष्टिकोण। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा सोशल थियरी हम वेस्ट का पढ़ा रहे हैं, जिस वेस्ट में सोसाइटी ही नहीं है उसका सोशल थियरी पढ़ा रहे हैं, जिसमें फैमिली ही नहीं है उसका सोशल थियरी हम पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पे फैमिली है, जहाँ पे सोसाइटी है, उसकी सोशल थियरी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई जाती। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सोशल थियरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फिलोसफिकल पॉइंट है उसकी दृष्टि से, जो और जितने कर्म थियरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें हैं। वो कृष्ण यही कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर हो, वो बिहेवियर हमारी सोच पर आता है। सोच कैसी हो, जो शास्त्र की दृष्टि है उस पर आता है। यदि शास्त्र की दृष्टि पर सोच की दृष्टि के आधार पर कर्म हो, तो निश्चित रूप से आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो गीता के बारे में जो आज हम देख रहे हैं कि जो दुनिया भर के साइंटिस्ट, मेरे पास बहुत सारे स्टेटमेंट हैं उस तो साइंटिस्ट के, जो आप वर्नर हाइजेनबर्ग को जानते ही होंगे, तो वो बताते ही हैं, सबको पता है कि वो एटम बॉम्ब के पहली बार ब्लास्ट हुआ तो गीता का 11वां श्लोक है, उन्होंने बोला था वहाँ खड़ा
कृष्ण कहते हैं ना, जब वो विराट रूप दिखाते हैं कि जब हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए, उस समय जो एनर्जी का रूप होता है, वैसा जब पहली बार एटम बम ब्लास्ट हुआ था 1946 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर के निर्देशन में, तो वो गीता का श्लोक पढ़ रहे थे। और जगह ओपेनहाइमर कहते हैं कि गीता मात्र पढ़ने से हमें जैसे लगता है कि साइंस के जितने क्वेश्चंस हैं सबके आंसर मिल गए। दूसरे जो है वो कहते हैं कि गीता जो है वो ऐसा है कि पूरा वेस्टर्न नॉलेज जो है उसके सामने जो एक दीपक की तरह है, जैसे सूर्य के सामने होता है। कहने का मतलब कि इस तरह का जो टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को जो भी पढ़ता है उसका जीवन सफल हुआ। और मैं एक बार पीसी अलेक्जेंडर का सुना, मुझे तो आश्चर्य लगा कि आपको वो शायद नहीं है, लेकिन उस समय वो गवर्नर थे महाराष्ट्र, और उन्होंने गीता पे एक स्पीच दिया। एक क्रिश्चियन होते हुए उनका जो दृष्टिकोण था गीता पर, कितनी स्टडी थी, मैं तो हैरान रह गया कि कैसे कैसे लोग गीता पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने सारा जीवन गीता के ही सिद्धांत आधार पर किया है, हैं क्रिश्चियन, लेकिन उनका जो एक्शन है उसके पीछे जो पूरा वर्ल्ड व्यू है वो गीता का चल रहा है। ये आदमी को बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि हर एक स्फीयर में यदि आप इसको अप्लाई करते हैं तो वहीं आपको कुछ स्पेशल दिखने लगता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और इस पर तो 10 दिन बात करें तो वो चलता रहेगा। तो हम सब गीता को पढ़ें, और जैसे मेरी बात हो रही थी कि जो अपने बच्चों को हम अपनी शब्दावली से, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि आप ईश्वर को गॉड नहीं कहेंगे, जब गॉड कहेंगे तो वो इस सृष्टि से बाहर चला जाएगा। कैपिटल जी जैसे इस्तेमाल हो तो वो सेमेटिक गॉड आएगा। ईश्वर जब कहेंगे तो वो आएगा जब कृष्ण कहते हैं कि सबके हृदय में ईश्वर। सेमेटिक कल्चर के जो मानने वाले लोगों के हृदय में ईश्वर नहीं होते, वो केवल मनुष्य है, इसीलिए तो जिहाद हो रहा है ना, देख रहे ना, दूसरे को मारने में आनंदित हो गए। हमारी दृष्टि में दूसरे में वही बैठा हुआ है, उनको जाना पड़ेगा ऊपर जाके उनको वेलकम करेंगे, हमारे यहाँ हृदय में ही वेलकम कर रहे हैं। हृदय में जब वेलकम कर रहे हैं तो मारेंगे कहाँ, जहाँ वेलकम करने के लिए ईश्वर बैठे हैं। इसीलिए ये जो दृष्टि है ना, इसी दृष्टि से समाज रह सकता है। आगे अभी दुनिया में जैसा माहौल चल रहा है, एक दृष्टि से सब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जो वैदिक व्यू है, जो हिंदू का व्यू है, वही सर्वाइव करा सकता है आपको। दूसरा व्यू जो है वो फाइनली कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा है। इसीलिए हम अपनी शब्दावली को समझें, हम ट्रांसलेशन के थ्रू ना समझें। ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, ये भी वही है, ये भी वही है, सब वही नहीं है, बहुत अंतर है। यदि अंतर नहीं है तो हम वंदे मातरम कहते तो दूसरा क्यों नहीं कहते कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। ये डिफरेंस है वर्ल्ड व्यू। एक पृथ्वी को जीवित सत्ता मान रहा है, पृथ्वी को माता मान रहा है, पृथ्वी को वो सब कुछ मान रहा है, दूसरा पृथ्वी को एक मिट्टी मान रहा है। पृथ्वी को वो मान रहा है जिसका उपभोग हम करेंगे, उसका अपने लिए हम यूज करेंगे। तो ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि के कारण सारा डिफरेंस है। इसीलिए हम इसका अध्ययन करें, बच्चों को सिखाएं, और समाज में हम इस तरह की चर्चा करें, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन जो है वो डिबेट डिस्कशन का है। हमारा ट्रेडिशन जो है वो ज्ञान से समाज को बदला है। स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए थे, वो युद्ध करके नहीं अमेरिका में इस्टेब्लिश किए थे, लॉजिक के बेस पे ज्ञान को वहाँ लोगों को दिया। हम एक बार बोस्टन गए थे, वहाँ जब बोस्टन की हिस्ट्री बता रहे थे तो बस हिस्ट्री बता रहे थे, वो कह रहे थे इट इज लैंड ऑफ वेदांत, क्योंकि विवेकानंद ने पहली बार बोस्टन में आए गए थे और बिना पैसे के वहाँ गए, और उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें की। तो हम ज्ञान वाले हैं, हम इस तरह के चिंतन वाले हैं, तो इस तरह का संदेश हमें गीता से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये। अत्यंत सरल सह शब्दों में हम सबके हृदय को प्रभावित किया है,
आप जैसे ज्ञानी एवं विद्वान व्यक्ति के संभाषण से हम सब अत्यंत लाभान्वित हुए हैं। मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं हम सब के प्रेरणा स्रोत एवं संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबको आज तक जिस प्रकार आशीर्वचनों से प्रभावित करते रहे हैं एक बार फिर से आकर प्रभावित करें। धन्यवाद। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन से शानदार मॉडल जी हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर रामनाथ झा जी जी और सभी साथियों, बहुत ही जैसे किसी टीचर समझाते हैं वैसे गहजी ने हम सबको जो बहुत गूढ़ चीज़ें हैं उनको बहुत सारे शब्दों में समझाया है। मैं दो तीन दिन से डॉक्टर भगवान दास की पुस्तक पढ़ रहा था, उनके ग्रैंड ग्रैंड डॉक्टर मुझे लग रहा था जो उसमें पढ़ रहा था दो तीन दिन से गहजी ने उसको मुझे थोड़ा विस्तारित कर दिया मेरी समझ को कि कैसे इस देश में ऐसा समय भी रहा है कि हमारे देश के माफ करेंगे जाति की बढ़ती कहानी ब्राह्मणों ने 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी प्रारंभ तक संस्कृत को अन्य जातियों को पढ़ने से रोकने कि संस्कृत केवल ब्राह्मण तक सीमित रहे और संस्कृत का ज्ञान ज्योतिष का ज्ञान केवल ब्राह्मण तक रहे, ये मदन मोहन मालवीय भगवान दास भी डिस्प्यूट का कारण था कि हिंदू सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना जिससे उससे अलग होगा काशी विद्यापीठ। तो आज सब कुछ समझने के बाद मुझे लगता है कि संस्कृत का ज्ञान भाषा ने तो कहा है कि भारत के लोगों को अब संस्कृत का अध्ययन अधिक से अधिक करना चाहिए, तो संस्कृत का अध्ययन और इंग्लिश का अध्ययन और थोड़ा वैज्ञानिक ढंग है, अभी 3 तो बहुत कम लोग हो सकते हैं और देहाती कम से कम इंग्लिश और संस्कृत के विद्वान हैं। गुरुचरण दास जी की किताब पढ़ी होगी, किसी ने पढ़ी है? गुरुचरण दास जी का नाम सुना है आपने? किसी किताब तो पढ़ी होगी क्योंकि जिन्हें पढ़ी हो गुरुचरण दास डॉक्टर एंड गेम्बल के सीओ थे अमेरिका, 50 साल की उम्र में उनके परिवार का परिवेश ऐसा उनको लगा कि मुझे ये इतनी बड़ी नौकरी बहुत पैसा मिलता था मुझे छोड़ देनी चाहिए और अपने देश जाके भारत को समझना चाहिए। वो भारत आगे छोड़ के बड़ी भारी नौकरी भारत में घूमे भारत को समझने के लिए 3 साल के बाद निष्कर्ष निकाला कि भारत को समझने के लिए संस्कृत का जानना पढ़ना आवश्यक है। उनको लगा कि मुझे बनारस में जाकर संस्कृत अध्ययन करके कॉलेज स्कूल ढूंढूँ, फिर वो फेल हो गए, अंत में फिर अमेरिका जाके संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत में ग्रेजुएशन करने के लिए फिर अमेरिका गए, संस्कृत का अध्ययन किया और पूरे महाभारत को उन्होंने जो सब ग्रंथों को पढ़ के एक किताब लिखी उन्होंने इंग्लिश में हाउ टू फील इन स्कूल। ऐसा उस किताब को पूरी तरह महाभारत पर आधारित करके लिखा कि कितना मुश्किल है अपने आप को ठीक रखना सही रहना कितना मुश्किल है और महाभारत के पैरल वैसे ही काम नरेंद्र कोहली जी ने महासमर लिखे किया है महाभारत पर आधारित। इस देश के अंदर जो रूढ़ियाँ बन गई ज्ञान विलुप्त हो गया, महाभारत घर में रखना भी पाप समझने लगे, इससे लड़ाई झगड़े हो गए। शुक्र है कि गीता महाभारत का हिस्सा होते हुए भी गीता हर घर में मिली और इसको ने तो गीता को लगभग 100 देशों में पहुँचाया और आज भी 7 दिन 10 दिन घर घर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें वास्तविक रूप से याजी ने स्वामी जी का पूरा सुन नहीं पाया था, अब तो मैं चाहूँगा याजी को एक रेगुलर जो सिस्टम आप बना दें हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ पर एक सीरीज सी बन जाए साकर 10 लेक्चर की ताकि हमारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं टीचर्स टीचर को ये ट्रेन करते हैं कि उनका विजन थोड़ा खुल जाए
और जो कुछ मीडिया आपको तो दो साल में के अंदर आठ ही साल में मीडिया को समझ आने शुरू किया। जर्नलिज्म की हम यहाँ के विद्यार्थियों से कोई यहाँ के टीचर से कहते हैं जर्नलिज्म में तो कम से कम भारतीयता अधिक से अधिक आ जाएगी तो भारतीय बनेगी। अभी हम तक कुछ नहीं, मेघालय के कारण ना हम ढंग से हिंदू हैं, ना हम ढंग से मॉडर्न हैं, ना हम ढंग से मानव बन पाए, क्योंकि भगवान दास जी दार्शनिक थे, उन्होंने अंत में यही कहा कि असली धर्म सनातन धर्म है, आर्य धर्म है, मानव धर्म है, सब सिनोनिमस धर्म है। बाकी सब हिंदुओं को रिफाइन करने के लिए जितने मत मतांतर बने, समुदाय बने, वो हिंदुओं को सुधारने के लिए बने और फिर अलग से संप्रदाय के रूप में खड़े हो और आपस में लड़ते झगड़ते रहे। मुझे उस दिन दुख हुआ था जब रामकृष्ण मिशन भी सुप्रीम कोर्ट के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुँच गया था ये डिक्लेयर कराने के लिए कि हम हिंदू हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो अदर देन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन एंड ज्यूज ऑल आर हिंदूज, ये भारत का संविधान कहते हैं, क्योंकि हिंदू की कोई परिभाषा नहीं है। अब जो रामकृष्ण मिशन भी पहुँच गया या भी रिसेंट में कर्नाटक में चल रहा है, जितने लिंगायत है वो अपने आप को डिक्लेयर कराने चाहेंगे हिंदू नहीं है हमारे से। तो इस देश के अंदर ये सोच हो रही, जो सोच है विकृति है, इस विकृति के कारण यदि हम सारे सारे माइनॉरिटी हुए, फिर जो 20% इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो मेजोरिटी है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान फिर से जोड़ लें तो आज लगभग 50% हो गए हैं। फिर ये मान के चलो कि आप सबको मेरे को जीने का अधिकार नहीं है, तो जिहाद तो वो है कि जो उनकी बात नहीं माने वो समाप्त हो जाए या मुसलमान हो जाए। कैसा देश आप चाहते हैं, और आपके माध्यम से बात टीचर को टीच करते करते 2-4 मिनट किसी मौके पर जैसा मौका लगे पढ़ा लें, इकोनॉमिक्स हैं, कॉमर्स हैं, अकाउंटेंसी हैं, किसी बात को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो ढा साहब स्वामी जी ने कहा उस तक पहुँचने की कोशिश करो, पासिंग रेफरेंस में 2-4 मिनट उसी क्यूरियसिटी लगा, फिर वो अपने आप ढूंढेगा, उसके अंदर कहे में जाने की कोशिश करेगा। तो एक अच्छा कार्यक्रम ये आप लोगों ने आयोजित किया है, मैं चाहूँगा कि इसको हम वेट के अंदर भी बीच बीच में ढा साहब ने इनके रिकमेंडेशन पर कुछ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से या दूसरे बहुत विद्वान लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है कि विद्वान लोग ट्रेडिशनल मुझे धोती कुर्ता ही पहनने जरूरी नहीं है, किस ड्रेस में हो तो आज के बच्चे को या इंडस्ट्री को प्रभावित ज़्यादा करते हैं। इसलिए हमारे देश के अंदर बड़ी 200-250 साल में हमने अपना बहुत कुछ खोया है, स्वामी विवेकानंद एक आदर्श हमारे लिए आज भी जिनमें हर बूढ़ियों को जीवन सन्यासियों की रूढ़ियों को भी तोड़ने के लिए उन्होंने वो काम किए जो सन्यासी नहीं करते। उन्होंने कहा कि हुक्का पीने से हिंदू हिंदू भी रहेंगे, उसके साथ बैठने से नहीं, उसके साथ खाना खाने से, उन्होंने सब कुछ करने का कहा मैं सन्यासी। और उन्होंने लास्ट में एक ही बात कही, भारतवासियों सभी देवी देवताओं को किसी अलमारी में बंद कर दो, 50 साल जीवन फुटबॉल खेलो, शरीर को मजबूत बनाओ, इस भारत मां को, इसके बारे में भी ऐसा हमने बताया, माता भूमि को मुझे भी हमने लिखवाया कई जगह अपने कैंपस में भेजा है। और मैं कहता हूँ हमसे सेटल कौन होगा, जो पृथ्वी को मां मान लिए हम सब उसकी संतान होगी, तो जाति का झगड़ा ना, पंथ का झगड़ा ना, पूजा पद्धति का झगड़ा है, हम सब भाई बहन वसुदेव कुटुंब को हम कहते नहीं हम करते रहेंगे, विकृतियाँ आई इनको दूर करेंगे, अपने जीवन को आप टीचर हैं निकाल क्योंकि स्टूडेंट है बहुत अच्छा है, कम से कम 4 स्टूडेंट आए, परंतु मैं उस दिन खुश हूँगा 1 साल के बाद जिस दिन ऑडिटोरियम में 500 स्टूडेंट्स में और सभी टीचर जो साहब हों, स्वामी जी हों, इनके और साथी हों, खूब प्रश्न उत्तर हों, समझने की कोशिश करें, शास्त्रार्थ करें, उसके अंदर से अपने जीवन के अंदर उन सब चीज़ों को ले आए और रूढ़ियों को समाप्त करें, कर्म कांडों को खत्म करके शुद्ध भारतीय बने, उसके अंदर सब चीज़ समझ में आ जाएगी। हम साहब ने तो वेद वेद से सारी चीज़ें बताई, मुझे भी आज पहली बार समझ में आई कि उपनिषद भी वेद का ही हिस्सा है, क्योंकि हमने तो
दुर्भाग्य से आठवीं के बाद में हिंदी पढ़ी में सबसे साइंस स्टूडेंट थे, इसलिए मुझे कुछ ज्ञासा जैसे जो वो सामने हफ्ते में मैं बात करूँगा मैं इनके कैंपस में जाके घंटा दो घंटा कुछ सीखने की फिर से कोशिश करते हैं। जब गुरुचरण दास कर सकता है तो मैं भी थोड़ी कर सकता हूँ समझने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि समझ श्रोताकंड में आपके आशीर्वचनों को हृदय गम किया होगा जो सदा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते रहेगा। अब मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आपके घर को आमंत्रित करता हूँ कि आप, क्योंकि हम आपके सहयोग से हमें जो पल पल मिल रहा है और उत्साह और मार्गदर्शन के बिना ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करना दुष्कर हो जाता, परंतु आपने अपने मार्गदर्शन से सब कुछ सहज कर दिया है। आदरणीय प्रोफेसर एम के भट्ट जी, प्लीज। That's only possible when we conduct such events more and more.
We are very thankful to His Excellency Shantanandji for sparing his valuable time. And मुझे अभी जगत ज्योति जी कह रहे थे कि सर ने अपने डायरी में लिखा था कि मैंने यहाँ जाना है. We are very thankful. From the core of my heart and from the core of MAIMS fraternity, we are highly blessed by your presence. We are also highly privileged and one among many institutes present in Delhi today for having a mentor like Dr. Nand Kishore Garagji to lead us from the front. I have worked with Praveen for the last 24 years. ये कोई प्रशंसा नहीं है, ये मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ. 24 साल मैंने काम किया प्राइवेट में पहले दिन से, और इतना इन चीजों के प्रति, ज्ञान के प्रति, और सरलता से ये हर किसी के जीवन में उतर जाए, ये माहौल भी हर जगह नहीं है. कल ही एक पुलिस अफसर ने बताया कि मैंने अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन किया, कम से कम मेरा बच्चा, शायद कई टीचर्स उस समय मेरे पास बैठे थे, कम से कम अपनी संस्कृति से जुड़ा. और चेयरमैन साहब बार बार ये कहते हैं कि भाई पैसा की कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सुनने वाले और करने वाले बनो. और मैं आपको 100% आश्वासन देता हूँ, अगर आचरण में डिफरेंस होती है, जैसे पहले से मैं कहता हूँ टीचर की वाणी अच्छी होनी चाहिए, उसके बिहेवियर से दूर से लगना चाहिए टीचर, तो अगर हम उसको प्रैक्टिकल में लाइफ में लाएंगे, नेचुरल ऑल दीज थिंग्स विल मैच. एंड वी आर ऑल्सो हाईली proud to have person like Radhna Jha, who is one among us, our fraternity, I can say, who blessed us with his time, who is person par excellence. Last year he had delivered a lecture and many teachers told me that he should be invited this time also. So it is our good luck that we had such luminaries among us. So now onwards also, as Chairman Sahib clearly clarified, that now onwards we must make it a regular practice. Aaj hum hi nahi, aap IITs dekh lijiye, internal engineering jo humne last year shuru kiya tha, ek part of human behavior. Bhagavad Gita, jab ek banda kehta main ladunga nahi, asimit ho chuka hai, उसे कैसे वापस लाया जाए टू खुद द टारगेट, इससे एचआर अलग नहीं हो सकता. मुझे लगा एचआर तो यही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हम पढ़ाते वो यही है. एनीवे विद दीज वर्ड्स आई विश यू, आई थैंक द ल्यूमिनरीज, आई विश यू टू कंटिन्यू विद सच सीरीज इन फ्यूचर टू. And we are all an incarnation of God in one or other form. We should accept it and we should try to put it in practice. Thank you very much. Sir, aapka bahut bahut dhanyawad. Ab main hamare sansthan ke kendra mein hoon. Sir, upri sansthapak adhyaksh Dr. Nand Kishore Garagji se anurodh karunga ki wo Maharaja Hussain Parivar ki aur se ek pratik chinh Swami ji ko samarpit. निश्चित करते हैं. एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.